हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट कूलाम्स लॉ. कूलाम्स लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. सिंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, देयरफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स. वी ऑल्सो डिस्कस द वेरियस फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू कूलाम्स लॉ. इन कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. वी डिस्कस्ड दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. देयरफोर दिस कूलाम, वी कैन से कूलाम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. वी ऑल्सो डिस्कस्ड few more facts which are related to Coulomb's law. In Coulomb's law we have seen that F12 is equal to minus of F21. It means this Coulomb's law, it obeys Newton's third law. Force exerted by one force due to another force is equal in magnitude. F12 is, dono ka jo magnitude of both the forces will be equal, but their direction will be opposite to each other. So we can say Coulomb's law, it is analogous with Newton's third law, or it obeys Newton's third law. One more fact which we discussed in last lecture, that Coulomb's law is only applicable for stationary point charges, because when charges start moving, in that case one more force comes into picture, that is magnetic force. Therefore in that condition Coulomb's law will not hold good. One more fact, that if distance between two stationary point charges is less than 10^-15 meter, in that case one more new force comes into picture, that is nuclear force, and therefore in that condition Coulomb's law will not hold good. Now today we are going to discuss one more new topic, that is principle of superposition. And we know that Coulomb's force is two body interaction, means the force of attraction or repulsion, or we can say electrostatic force acting between two stationary point charges, does not depend on presence of third charges. मतलब दो charges के बीच की दोस्ती का जो है तीसरे charge के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So इसको बोलते हैं Coulomb's force is a two body interaction. Two body interaction means that force acting between two stationary point charges does not depend on presence of third charge. अब principle of superposition, this is our next topic which we are going to discuss. Principle of superposition. So principle of superposition. Principle of superposition. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिस समय आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी नोटबुक जो है उठाइए और उसमें साथ साथ में लिखना शुरू कीजिए. आप सो रहे हैं, सोते सोते अगर मोबाइल पे केवल YouTube के वीडियोस देख रहे हैं, दो मिनट किया, थोड़ा आगे स्किप किया, फॉरवर्ड किया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. और दूसरी चीज, आज ही मार्केट जाके अपनी किताबों की दुकानें खोलिए, वहाँ से अपनी जो है बुक परचेज कर लीजिए या किसी सीनियर से ले लीजिए, और बुक्स के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड का जो पैटर्न है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं. जब तक आप अपने हाथों से अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, नोटबुक उठा के उसमें लिखना शुरू नहीं करेंगे, केवल देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला. इसलिए लेक्चर, जिस समय आप बैठे हैं, जिस समय लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स लिखना शुरू कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा, और बाद में भी अगर रिविजन होगा तो उसमें ये बहुत कम समय अपने को लगेगा. सो टूडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. देखिए, हमने एक डिस्कस कर लिया है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. Now, if suppose I have group of charges, I have multiple charges, what happens in that case? Suppose I consider a charge Q0, it is placed in space, and position vector of this Q0 charge is R0. Okay? And I have one more charge, that is Q1. This is my Q1 charge, and position vector of this Q1 charge is R1. Now I can easily calculate the force, electrostatic force acting on Q0 charge due to Q1.
एंड दिस फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. Q1 जो है वो Q0 पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड दिस फोर्स विल बी डिनोटेड बाय F01 एंड इट्स डायरेक्शन. ये इसको रिपेल करेगा एंड डायरेक्शन इसको ये Q1 जो है वो Q0 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चूजर. सो F01 इट इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1. ओके, सपोज आई हैव वन मोर चार्ज, दैट इज चार्ज Q2. दिस इज माय सपोज चार्ज Q2 एंड पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस चार्ज Q2 इज R2. नाउ दिस Q2 विल ऑल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन Q0. सो एंड डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चूज. ये Q2 जो है वो Q0 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, ये इसको रिपेल करेगा और डायरेक्शन होगी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चूज टू चार्जेस. दिस इज माई F02. F02 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2. दिस इज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F02. सपोज आई हैव वन मोर चार्ज Q3, Q4. सिमिलरली सपोज आई हैव अ चार्ज Qn and position vector of this Qn charge is Rn. Now this Qn charge will also exert force on Q0. So force, and this would be along this direction, this is F0n. It means all charges, all individual charges are exerting force on Q0. Now if I want to calculate the total force on Q0, then according to principle of superposition, total force acting on a given charge, total force acting on a given charge is equal to vector sum of, is equal to vector sum of all forces exerted by individual charges. Or I can write total force, ye F pe total force hai, isko F se denote kar raha hun, F0 is equal to F01 plus F02 plus up to F0n. ओके, सो दिस इज माई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक चार्ज पे कई सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आता है. सो फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल फोर्स On a given charge is equal to vector sum of all forces exerted by individual charges. Okay, this is the statement of principle of superposition. The total force on a given charge is equal to vector sum of all forces exerted by individual charges. So total force, ये Q0 पे जो आपका total force act कर रहा है उसको आपने calculate किया, ये आपका Q1 की वजह से है, this is due to Q2 and up to this is due to Qn. तो इसकी वजह से जो है total force जो Q0 पे होगा that would be equal to vector sum of all forces exerted by individual charges. So from here we can also write F0 is equal to, what is the F01 Q1 or Q0 ke beech mein lag raha hai, so isko main likh sakta hu, this is K Q0 Q1 upon, suppose the distance between this Q1 and Q0, it can be written as R01. This is R01. Distance between Q1 and Q0 is R01, and in vector form it can be written as R01. So it can be written as R01 vector mode. So this is the K Q1 Q2 upon R square. So I can write K Q0 Q1 upon R0 square. And since I am writing in vector form, so direction unit vector from Q1 to Q0 would be R01. So this is magnitude multiplied by unit vector. This is F01. Similarly, I can write F02. The value of F02 would be equal to K Q0 Q2 upon
सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू टू एंड क्यू नॉट इज आर जीरो टू, सो दिस इज आर जीरो टू स्क्वायर एंड आर जीरो नॉट एंड प्लस अप टू दिस एफ नॉट एंड, इट कैन बी रिटन एज के क्यू नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय आर जीरो एन एंड आर जीरो एन कैप, वेयर दिस आर जीरो एन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइक दिस आर जीरो एन वैक्टर. ओके सो नाउ अब इसको अपन आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन और आई कैन राइट एफ नॉट दिस विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर जीरो वन कैप प्लस के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर जीरो स्क्वायर इंटू आर जीरो टू कैप अप टू दिस इज के क्यू नॉट क्यू नेट अपॉन आर जीरो एन स्क्वायर आर जीरो एन कैप. ओके एंड इसमें से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन. सो आई थिंक के इज कॉमन टर्म इन सारे टर्म्स में, के कॉमन आ रहा है और क्यू नॉट भी कॉमन आ रहा है, सो आई कैन राइट के क्यू नॉट. ओके एंड रिमेनिंग टर्म वुड बी क्यू वन अपॉन आर जीरो वन मोड स्क्वायर इंटू आर जीरो वन कैप प्लस दिस इज क्यू टू अपॉन आर जीरो टू एंड आर जीरो टू कैप प्लस दिस वुड बी क्यू एन अपॉन आर जीरो एन स्क्वायर इंटू आर जीरो एन कैप एंड आई दिस सम इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ समिशन. सो इन द फॉर्म ऑफ समिशन वी कैन राइट एफ नॉट इज इक्वल टू के क्यू नॉट. इफ आई राइट ये सब सारे सारे टर्म का सम हो रहा है, सम एक कॉमन टर्म लिख सकता हूं क्यू ऑफ आई अपॉन आर ऑफ जीरो आई स्क्वायर आर ऑफ जीरो आई कैप वेयर द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम वन टू एन, सो आई वुड बी इक्वल टू वन टू एन. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ समिशन और हेयर इन द प्लेस ऑफ के वी कैन ऑल्सो राइट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अपने को क्या बता रहा है, कोई भी अगर एक चार्ज है उसकी वजह से कई सारे इंडिविजुअल चार्जेस अगर उस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा वो अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए इस केस में क्यू वन और ये आपका क्यू टू के बीच में भी फोर्स एक्ट करेगा लेकिन उसका इस Q0 पे जो आपका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टू बॉडी इंटरेक्शन है. यहाँ पे ये आपका Qn है और Q1 के बीच में लेकिन हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो Q0 पे है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू दीज मल्टीपल चार्जेस ड्यू टू दीज दिस ग्रुप ऑफ चार्जेस. ओके सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का जो एप्लीकेशन होगा वो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह है जिसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करेंगे और उसी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है उसको अपन डिस्कस एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं. अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपन दो तीन दिन में बहुत अच्छे से फ्लो में आ जाएंगे और इस पूरे चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा किस टाइप से चीज़ों को कैसे याद करना है, बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं और उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे. सो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पे बेस्ड किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है. सपोज आई हैव अ स्क्वायर, दिस इज माय स्क्वायर. ओके दिस इज स्क्वायर इज ए बी सी डी एंड फोर चार्जेस ईच ऑफ क्यू इज प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर. दिस इज माय क्यू वन चार्ज, यहाँ पे भी क्यू वन चार्ज रखा हुआ है, हियर वी हैव क्यू चार्ज, हियर वी हैव ऑल्सो एंड इसकी सारी जो साइड्स हैं वो ए के इक्वल है. ठीक अब इसमें कैलकुलेट अपने को करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस. यानी बी पॉइंट पे जो क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है उस पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स जो एक्ट करेगा वो टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है. बहुत इजी है. देखिए इस क्यू चार्ज पे कौन कौन ये भी अप्लाई करेगा क्यू चार्ज फोर्स, दिस क्यू विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन दिस क्यू, ये वाला जो क्यू चार्ज है वो भी इसको अप्लाई करेगा और इस बी पॉइंट पे ये जो क्यू चार्ज है इस पे अपने को टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है. वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ बी, यानी बी पॉइंट पे जो क्यू चार्ज है उस पे बाकी वाले चार्जेस को मिला के टोटल फोर्स कितना है. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अपन इस क्यू चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से करेंगे, इसकी वजह से करेंगे एंड देन द टोटल फोर्स
ऑन दिस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस. देखिए ये जो क्यू चार्ज दिस क्यू दिस विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस क्यू एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. सो ये फोर्स लग रहा है. दिस इज माय FBA. दिस इज फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए. यहां पे ये जो Q चार्ज C पे रखा हुआ है वो भी B पे फोर्स अप्लाई करेगा. उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी. दिस इज FBC. ठीक. और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें ये इन दोनों ये आपका ये मैग्नीट्यूड FBA. ये भी Q तो K Q1 Q2. Q1 की जगह भी Q है Q2 की जगह भी Q है अपॉन R स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस A. सो दिस इज K Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एफ बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ बी सी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी के बीच में के क्यू वन क्यू टू. क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू क्यू है. दिस इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस ए. सो दिस इज ए स्क्वायर और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब ये जो फोर्स है जो आपका डी पॉइंट पे रखा हुआ है दिस विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस चार्ज. इस पे फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. इस चार्ज और इस चार्ज की लाइन ज्वाइन कीजिए डायरेक्ट. ये दिस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज. ये इसको ऐसे रिपेल करेगा और डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. इसकी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. सो दिस इज एफ ऑफ बी डी एफ बी डी. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ये डिस्टेंस ए है ये भी ए है तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस वुड बी रूट टू ए. बहुत इजी है सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं. और एफ बी डी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी डी इज इक्वल टू के दिस इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर दिस इज रूट टू ए स्क्वायर और दिस वुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर. हम लिख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन वही करेंगे फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट क्यू एफ बी ए दिस इज इक्वल टू दिस फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सी वुड बी इक्वल टू एफ बी सी एंड देन फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट डी दिस इज इक्वल टू एफ बी डी. अब देखिए अब बी पॉइंट पे टोटल आपको फोर्स कैलकुलेट करना है. सिंपल जो आपकी 11th क्लास के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसी को किया था. सबसे पहले देखिए ये एफ बी ए है दिस इज माई एफ बी सी. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दो अगर फोर्सेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर इसका मैग्नीट्यूड भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज ऑल्सो के. इफ टू फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस इफ टू फोर्सेज दिस इज माई एफ फोर्स दिस इज and the angle between them is their resultant force would be equal to what root of f square plus 2f p square plus 2pq cos theta this is cos 90 value of cos 90 is 0 and of f of r this would be equal to root of 2f so this is equal to root of 2f. तो अगर दो चार्ज दो आपके फोर्सेज हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट होगा root 2f. तो बताइए इसका एफ बी ए और आपका एफ बी सी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इनका रिजल्टेंट क्या होगा. सो रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ए एंड एफ बी सी दिस इज इक्वल टू रूट टू एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. देखिए ये भी फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ये भी के क्यू स्क्वायर है इस डायरेक्शन. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी देखिए दो अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं इसकी डायरेक्शन 45 डिग्री एंगल पे ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी रिजल्टेंट की. तो ये आपका इन दोनों का जो सम है वो भी इस डायरेक्शन में आ रहा है ये फोर्स और ये जो फोर्स होगा वो कितना आया है रूट. और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स अपने पास एफ बी डी है एफ बी डी जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर. तो अब देखिए ये जो आपका रिजल्टेंट है एफ बी ए और एफ बी सी का जो एफ आर जो आया है आपके पास ये एफ आर और दूसरा जो फोर्स एफ बी डी है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एफ बी डी दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर. इट मीन्स एफ बी डी दिस इज एफ बी डी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ए एंड एफ बी सी इज ऑल्सो एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये एफ आर और एफ बी डी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. जब दो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं
तो उसका जो है टोटल आपका ये पी है, दिस इज माई क्यू, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पी प्लस क्यू होता है। ये भी अपन 11 क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए इन दोनों का एफ आर और एफ बी डी, तो टोटल फोर्स जो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट बी, चार्ज एट बी, एफ बी, एंड दिस एफ बी वुड बी इक्वल टू एफ बी, इसका मैग्नीट्यूड अपन देख लेते हैं, पी प्लस क्यू, दिस इज रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। प्रेजेंटेशन देखिए लिखना है तो उस कंडीशन में अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, एफ बी ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बी ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बी सी, और किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको पिक्चर बता दी है, कुल मिला के यही करना है कि आपको इस पे जो है सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करके और उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अप्लाई करेंगे तो अपन नेट फोर्स जो रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का एक आपका सिंपल एग्जाम्पल था जिसको अपन ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना अभी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया था, सिमिलरली इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? द स्पेस अराउंड मास इन विच अनोदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। And now electric field. Now this we discuss about electric field. So what is electric field? Electric field. Okay. So gravitation ke chapter ke andar humne gravitational field ko discuss kiya tha ki suppose I have a mass and space around this mass in which another mass experiences a force of attraction, that is known as ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली सपोज आई हैव अ चार्ज क्यू, ओके, एंड वी कैन से द स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनोदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है और नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनोदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ चार्ज In which another charge experiences a force of attraction or repulsion is known as electric field। किसी भी आपका जो है द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनोदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आवर इलेक्ट्रिक, बेसिकली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मान लीजिए कि मेरे पास ये जो चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। Now what happens if I bring another charge in that field that will experience a force, वो एक force experience करेगा। मान लीजिए कि मेरे पास मैं कोई charge आपका Q naught charge लाता हूँ, okay? और Q naught जो charge है उस पर आपका मान लीजिए कि F force act कर रहा है। कितना force act कर रहा है? Electric field की, ये electric field produce कर रहा है और इस electric field के अंदर मैं अगर Q naught charge लाता हूँ तो वो आपका उस पर एक force लगेगा, suppose that force is F। तो बताइए अगर मेरे पास Q नॉट जो चार्ज है उस पर जो फोर्स है वो F फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताइए यूनिट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा F अपॉन Q नॉट, और यूनिट
पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पे जितना फोर्स लगता है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वन मोर थिंग, ये जो चार्ज अपन लाते हैं जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मींस ये जो अपन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाए, ये खुद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, दिस इज माय टेस्ट चार्ज। और ये जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज नोन एज सोर्स चार्ज, दिस इज माय सोर्स चार्ज एंड दिस इज माय टेस्ट चार्ज। सो फ्रॉम हियर वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए क्यू नॉट चार्ज पे अगर जो क्यू नॉट चार्ज है वो फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट अगर मेरा टेस्ट चार्ज है वो आपका फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, एंड दिस एफ अपॉन क्यू नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। सो E is equal to what? F upon Q naught. So we can write, give the definition of electric field intensity. It is defined as force experienced by unit positive test charge. It is defined as force experienced by unit positive test charge, and it is mathematically we can write E is equal to vector of E is equal to F upon Q naught. Since F is a vector quantity, therefore this electric field intensity will also be a vector quantity, and we can write the unit of electric field intensity, unit of force is Newton and unit of force is charge is coulomb. So unit of electric field intensity is Newton per coulomb, Newton upon coulomb. This is the unit of electric field intensity. देखिए यहाँ पे अपन देखिए एक important word अपने काम लिया है, unit positive test charge. By convention जो अपन electric field को test करने के लिए charge काम लेते हैं वो positive charge लेते हैं, ठीक। और ये आपका test charge का मतलब हुआ कि ऐसा charge which जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो केवल टेस्टिंग के लिए रह गया, बहुत उसकी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए सब कुछ अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ई की जो एक्सप्रेशन है वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट वेयर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इट मीन्स ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा है, यानी वो खुद कोई इलेक्ट्रिक। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी न्यूटन, इट इज डिनोटेड बाय ई, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम्ब एंड एक्सप्रेशन विल बी गिवन बाय दिस, ई वुड बी इक्वल टू F upon Q naught, or we can write limit Q naught tends to zero. It means ये जो Q naught है, जो test charge है, जिसको electric field को test करने के लिए अपन ने रखा है, इस बहुत छोटा होता है, यानी इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वी टेक टेंस टू जीरो। सो फाइनली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये आपका मान लीजिए सोर्स चार्ज है, ये क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो इस पे जितना जो फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे रखूंगा तो इस पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होगा उस पे जितना फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बस अपने को क्या करना है उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखना है, और वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फोर्स के अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इसकी एक्सप्रेशन आएगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कि अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन, वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन लाइक दिस, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द फोर्स. सपोज दिस इज माई टेस्ट सोर्स चार्ज, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. सो आई विल प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट एंड आई विल कैलकुलेट द फोर्स. अब यूनिट पॉजिटिव अगर टेस्ट चार्ज है तो उस पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन ये होगी. ठीक, अब मान लो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका यहां पे रखा हुआ है. ठीक, तो इस पे जो फोर्स यहां पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये वाली होगी. मान लो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मेरा यहां पे रखा हुआ है, तो बताओ इस पे जो फोर्स होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये इस टाइप से लगेगा और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. इधर रखा हुआ है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आ जाएगी, इस डायरेक्शन में इधर आ जाएगी. यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ रखा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ रखा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में. सो हियर वी कैन सी दैट ये आपका सोर्स चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है ये बेसिकली रेडियली आउटवर्ड, रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, दिस इज नॉन एज रेडियली. सो ये आपका जो पॉजिटिव ये आपका सोर्स चार्ज है, दिस इज माय सोर्स चार्ज और ये जो पॉइंट सोर्स चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, दिस इज नॉन एज रेडियली आउटवर्ड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज रेडियली आउटवर्ड. सपोज ये मेरा जो सोर्स चार्ज है वो अगर नेगेटिव होता तो उस केस में क्या होता, सपोज दिस इज माई माइनस क्यू, दिस इज माई सोर्स चार्ज, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो यहाँ पे मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, उस पर फोर्स कैलकुलेट करूंगा और फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पे, जो फोर्स है ये चार्ज इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन आएगी. ठीक, अगर मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता तो इस पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होती और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अगर मेरा यहाँ होता तो इस पे फोर्स ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करता और ये जो डायरेक्शन होती वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती. यहाँ होता तो ये कुछ इस टाइप से होता फोर्स की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये इस तरफ होता तो यहाँ होता, यहाँ ये देखिए ये पैटर्न आ रहा है बेसिकली. तो ये जो डायरेक्शन है अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी. दिस इज रेडियली इनवर्स. सो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फाइनली हमने देखा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पे रखेंगे उस फोर्स, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. तो ये आपका जो है नेगेटिव अगर सोर्स चार्ज है तो उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्स होगा और अगर मेरा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, दिस इज माय पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इसको रिपेल कर रहा है देखिए ये डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्स होगी. सो दिस इज हाउ वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेसिकली कुछ नहीं होता, दैट इज फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्ट करता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं. अब मेरे को एक बात बताइए कि आपका जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पर फोर्स कितना लगता है? अरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू ई, उस पर ई फोर्स लगता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही तो है. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो आपका यूनिट चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को उस पर फोर्स लगता है ई के इक्वल. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स मेरा ई लग रहा है तो बताइए क्यू फोर्स पे कितना चार्ज लगेगा? क्यू फोर्स पे चार्ज लगेगा क्यू ई. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, मेरे पास कोई भी अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है, अगर इसमें मैं कोई चार्ज क्यू रखूं यहां पे इस फील्ड के अंदर, यहां पे मैंने मान लीजिए कि ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, यहां पे मैंने कोई भी अगर चार्ज ये क्यू रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, तो बताइए यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है उस पर फोर्स लगता है ई, तो क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दिस वुड बी क्यू ई और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई.
तो आपका क्यू चार्ज है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है एफ इजिकल टू क्यू ई। अगर मेरा मान लीजिए कि अगर ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ई है, यहां पे अगर मेरा नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ इजिकल टू माइनस ऑफ क्यू ई। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज फोर्स। ठीक, तो यहां से अपन देख सकते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव जो चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो डायरेक्शन जो आपका कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान ला क्यू चार्ज है मेरे पास और क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मैं रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू ई और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगी। और मेरे पास कोई माइनस क्यू चार्ज है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखूंगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा क्यू ई और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू रिमेंबर। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमने डिस्कस किए थे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अपन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, दिस इज माय क्यू चार्ज, ओके, एंड देयर इज अ पॉइंट पी व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। दिस इज माय सोर्स चार्ज, दिस इज प्लस क्यू एंड सपोज इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, दिस इज माय पॉइंट ओ, दिस इज माय पॉइंट पी, दिस इज माय सोर्स चार्ज। सो आई हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, आई हैव अनोदर पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज एंड आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये छोटा सा पहले डिस्क्रिप्शन अपने को लिखना है, डायग्राम बना लीजिए, ये मेरा पॉइंट चार्ज है जो ओ पे रखा हुआ है। आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। तो उसके लिए देखिए सबसे पहला जो काम अपने को ये करना है कि इस पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट आई विल टेक अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, दिस इज माय टेस्ट चार्ज, ओके, एंड आई प्लेस दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी, ओके। अब क्या होगा कि अगर टेस्ट चार्ज को यहां पे रखूंगा तो ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू गिवन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। वो फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, दिस इज क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की आर है, आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को तो आप इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन, सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर वेक्टर फॉर्म में अपन उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी आपका क्यू नॉट फोर्स पे जो अगर फोर्स एफ लग रहा है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। सो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट E is equal to, in the place of F, I am writing K Q Q naught upon R square and divided by this Q naught.
दिस क्यू नॉट, क्यू नॉट एंड क्यू नॉट गेट कैंसल्ड और ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. This is basically the electric field intensity at point P. If we want to write in vector form, देखिए इस पे जो force लगेगा वो इस direction में लगेगा, ये force की direction होगी and we know that force की जो direction होगी उसी direction में आपकी electric field की direction होगी. So electric field की जो direction होगी वो भी इसी direction में होगी, मान लीजिए कि O से P. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि direction of this electric field intensity along O to P, direction क्या होगी, O to P, direction of E will be along OP, OP इस OP के, और सपोज OP वेक्टर के along आपका यूनिट वेक्टर R कैप है, दिस इज माई R कैप यूनिट वेक्टर. सो इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. यही करना है आपका वेक्टर फॉर्म का मतलब, यही होता है कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा. तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप एंड इन द प्लेस ऑफ के आई एम अज्यूमिंग द फ्री स्पेस, सो इन द प्लेस ऑफ के वी कैन राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. Now what do we observe from this expression, that this E, it is inversely proportional to R square. So we can write, so this is basically the derivation. कुछ नहीं करना है, वही unit positive test charge जो है उसकी वजह पे अपने को force calculate करना है और वही force आपका electric field की intensity होती है. So final expression for electric field intensity, this E is equal to K Q upon R square, or we can write E is inversely proportional to R square. It means this electric field intensity is inversely proportional to distance between given point and source charge. Or we can plot a graph between E and R. This graph would be like this. We have drawn many such type of graph in 11th class. Or E or R square ke beech mein agar graph ko plot karenge, to ye direction aapki E or स्ट्रेट लाइन आएगा, ई और आर वर्सेस ग्राफ. ये ग्राफ किस टाइप से आते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास. ओके, सो यहां से अपन किसी पर्टिकुलर सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है, ई इज इक्वल टू के वैक्टर फॉर्म, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. This is the expression for electric field intensity and the value of K, this would be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught if we have free space. If a charge is placed in some other medium, so for other medium we write K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. So we can write E would be equal to 1 upon, this is E for medium, E medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap. This is medium. और अगर मान लो free space है तो उस condition में जो K की value होगी वो आपका 1 upon 4 pi Q upon R square R cap. तो free space के अंदर this is the expression for electric field intensity. This is the expression for electric field intensity in some medium E. जिस type से अपने force को calculate किया वही का वही same pattern है. तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो पॉइंट चार्जेस की वजह से हैं वो डेरिवेशन है कि E की जो वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर. बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार पढ़िए और कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो आप जो भी स्क्रीन पे यहाँ व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह के लिए. प्लीज़ अपनी बुक लेके आ जाइए और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस.